झंडा हटाकर अपना तिरंगा लगा देने से क्या गुलामी वाकई दूर हो गई? सच तो ये है कि आज भी हमारे देश के लोग गरीबी के गुलाम हैं, बीमारी के गुलाम हैं, डर है बढ़ती बेरोजगारी का, भविष्य और महंगाई से पैदा होने वाले तनाव का। राज करने वाले आज भी उसी तरह राज कर रहे हैं। कोई पूंजीपति है तो कोई नेता है तो कोई ये कहानी भी राज करने वाले एक ऐसे ही राजा की है, ऐसे जालिम राजा की जो आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। मुझे मत मारो
मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, पाप करता हूँ, मुझे मत मारो। जोड़कर माफी मांगी है, इसने मेरा दिल जीत लिया है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चलो हंसो, अब हंसो, जोर से हंसो, स्टूल लाओ। तुमने हमारा दिल जीत लिया है, ये देखो मैंने तुम्हें राजा का हार पहना दिया, और अब मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाऊंगा। कहानी? हाँ, एक सच्ची कहानी। लो सेब खाओ, सेब खाओ। सुनाओ कहानी। एक था राजा, सारी रियासत में उसी का राज था, उसी का झंडा लहराता था, वो देखो झंडा। बेटे फिर कुछ पागल चिल्लाने लगे कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, और तभी एक पागल ने मेरा सुंदर सा झंडा हटाकर उसकी जगह तीन रंग का तिरंगा झंडा लगा दिया। अरे हमारा झंडा तो अंग्रेजों ने भी नहीं हटाया था, फिर एक हिंदुस्तानी कैसे हटा सकता है? राजा को गुस्सा आया, उसने तलवार उठाई और तिरंगे झंडे वाले का सर काट दिया। वो था राजा, और राजा तो कुछ भी कर सकता है, कर सकता है ना? बड़े समझदार बच्चे हो। लो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। फिर क्या हुआ? फिर तिरंगे झंडे वाले की पुलिस आ गई, उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, सब लोग राजा से डरते थे। राजा से डरना ही चाहिए ना? समझदार हो, बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारी उम्र का एक बच्चा बोल पड़ा कि तिरंगे झंडे वाले का खून राजा ने किया है। उन्होंने राजा को गिरफ्तार कर लिया, राजा की रानी ये देखते ही मर गई। उस छोटे से बच्चे की हिम्मत ने सब कुछ मिटा दिया, खत्म कर दिया। तभी राजा ने सोचा कि जब तक इस देश के बच्चे हिम्मत वाले होते रहेंगे तब तक राजाओं का राज नहीं चल सकता, और उसी दिन मैंने फैसला किया कि राजनगर के लोगों के दिल में इतना डर, इतना खौफ भर दूं कि हिम्मत के लिए उनके दिल में जगह ही नहीं रहे। और इस बच्चे ने तो आज हमारा दिल जीत लिया है, हम इस पर बहुत खुश हैं। आज सब लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। बंद कर।